हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे परसेंटेज इम्पीडेंस ऑफ ट्रांसफार्मर की। कि ट्रांसफार्मर का परसेंटेज इम्पीडेंस क्या होता है। तो परसेंटेज इम्पीडेंस ऑफ ट्रांसफार्मर को हम लोग शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस भी बोलते हैं, लीकेज रिएक्टेंस भी बोलते हैं। ये सारी चीजें जो है परसेंटेज इम्पीडेंस ऑफ ट्रांसफार्मर ही है। तो जैसे हम जानते हैं कि इम्पीडेंस क्या होता है, एक्चुअल में रेजिस्टेंस प्लस रिएक्टेंस का कॉम्बिनेशन होता है, आर प्लस जे एक्स, उससे हम इम्पीडेंस निकालते हैं। और जब हम इसको परसेंटेज के टर्म से बात करते हैं तो ये परसेंटेज इम्पीडेंस कहलाता है। तो हम लोग एक बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कोई मैग्नेटिक सर्किट है, उसमें अगर हमको वोल्टेज इंड्यूस करना है, प्राइमरी में हमने एक वोल्टेज दिया और सेकेंडरी में इंड्यूस करना है, तो हमको क्या क्या जरूरत पड़ता है। नॉर्मली एक कंडक्टर का जरूरत पड़ता है, एक मैग्नेटिक फील्ड का जरूरत पड़ता है, और एक हमको जो है कि किसकी जरूरत पड़ेगी, हमको एक फील्ड और कंडक्टर जो हमारा है उसको कट करने के लिए एक डिवाइस चाहिए, जिससे कि हमको उसके बीच में एक हमको इंड्यूस ईएमएफ आए, तो रिलेटिव मोशन हमको उनके बीच में चाहिए। तो अब जैसे हम एक ट्रांसफार्मर की बात करते हैं, तो ट्रांसफार्मर में नॉर्मली क्या है, कंडक्टर के नाम पे क्या रहता है, कॉयल रहती है। तो कॉयल में जब हम थ्री फेज वोल्टेज या पावर देते हैं, पावर बोलेंगे एक्चुअल में, क्योंकि वोल्टेज भी रहता है, कुछ हवा में नो लोड करंट भी रहता है। तो जब हम पावर देते हैं तो क्या होता है, प्राइमरी वाइंडिंग में एक फील्ड क्रिएट होगा। वो फील्ड जो है वो किस नेचर का रहता है, वो एक्सपेंडिंग एंड कोलेप्सिंग नेचर का रहता है। उसमें फील्ड क्यों रहता है, क्योंकि हम लोग जो है वोल्टेज जो देते हैं वो एक पीक आता है, फिर जीरो होता है, फिर पीक आता है, फिर जीरो आता है, तो उसके करस्पॉन्डिंग करंट भी पीक और जीरो आता है। तो एक वहां पे एक्सपेंडिंग और कोलेप्सिंग टाइप का मैग्नेटिक फील्ड बनता है। और वो जो फील्ड है वो क्या होता है, आपका कोर से होते हुए जब आपका वहां से फील्ड हुआ, फील्ड बनने के बाद में आपका जो मैग्नेटिक कोर है, लैमिनेटेड कोर है, वहां से जब वो पास करेगा तो क्या होगा, आपका एक वहां पे रिलेटिव मोशन आएगा बिटवीन द सेकेंडरी वाइंडिंग और आपका जो है फील्ड के बीच में। तो उससे क्या होगा, सेकेंडरी में एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो ये इसमें जो है आपका क्या है, जब हम ये सारी चीजें बात करते हैं इंड्यूस की, तो हमने क्या देखा कि हमारा जब ये सारे कंडीशन होना है तो क्या है, इंडक्टेंस जरूरी है। जैसे ट्रांसफार्मर हम लोग बात करते हैं कि ट्रांसफार्मर किस पे काम करता है, तो ट्रांसफार्मर भी म्यूचुअल इंडक्टेंस पे काम करता है, कि हमारा एक सर्किट से दूसरे सर्किट में वोल्टेज कैसे इंड्यूस होगा। तो ये सारी चीजों में क्या हुआ, एक इंडक्टेंस पिक्चर में आया। तो जब इंडक्टेंस पिक्चर में आएगा तो अल्टीमेटली इम्पीडेंस भी पिक्चर में आएगा। अब आप एक एग्जाम्पल बताते हैं बेसिक में कि क्या होता है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, एक ये वायर है, ऐसे एक वायर है, सपोज करिए 22 स्क्वायर गेज का वायर है और इसका लेंथ मान लीजिए 500 मीटर है आपका। तो नॉर्मली अगर हम ऐसे बात करेंगे तो इसमें क्या बात करेंगे, कि स्ट्रेट वायर है तो इसका एक रेजिस्टेंस होगा। फॉर एग्जाम्पल, इस वायर का एक रेजिस्टेंस 2 ओम है, तो ये नॉर्मल एक वायर होगा जिसका रेजिस्टेंस 2 ओम है। अब अगर हम इस वायर को सपोज करिए कॉइल के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, इस वायर को जैसे कि ट्रांसफार्मर कॉइल होती है, ऐसे हम कॉइल के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे हम कॉइल के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे क्या होगा, ये इसमें एक इंडक्टेंस आ जाएगा, जो कि आपका इंडक्टेंस क्या होता है, जो कि करंट के फ्लो को अपोज करता है। तो इसमें जैसे ही कॉइल फॉर्म में आएगा एक इंडक्टेंस डेवलप हो जाएगा। जैसे ही इंडक्टेंस डेवलप होगा तो क्या होगा, आपका इंडक्टेंस डेवलप होने से क्या होगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस पिक्चर में आ जाएगा। इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है, 2 पाई Fl होता है। तो इंडक्टेंस फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए तार था, इसका इंडक्टेंस 2 ओम था। अभी मान के चलते हैं कि इसका इंडक्टेंस जो है कितना था, 0.1 हेनरी आ गया इसका इंडक्टेंस, इस तार का इंडक्टेंस 0.1 हेनरी आ गया। तो हम जब इसका कैलकुलेट करेंगे तो एक्सएल कितना हो जाएगा आपका, 2 × 3.14 × 50 × 0.1, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 31.4 ओम हो जाएगा। तो ये आपका, जब हम जेड की बात करेंगे तो जेड कितना हो जाएगा, आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। तो हमारा आर कितना है, 2 है, तो 4 हो जाएगा, और ये 31.4 का स्क्वायर हो जाएगा और ये आपका 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऑलमोस्ट 31.46 ओम हो जाएगा। तो अभी हम क्या देख रहे हैं, वही तार था जब ये स्ट्रेट वायर के फॉर्म में था तो केवल इसका रेजिस्टेंस 2 ओम था, जब हमने इसको कॉइल के फॉर्म में कर दिया तो इसका नेट इम्पीडेंस 31.46 आ गया। क्या हुआ, कितना बढ़ गया रेजिस्टेंस, 2 टाइम्स 31 पॉइंट, तो ऑलमोस्ट 15 टाइम्स जो है इसका रेजिस्टेंस बढ़ गया। तो 15 टाइम्स बढ़ गया मतलब क्या होगा, कि अगर हमने कंडक्टर को स्ट्रेट के बजाय कॉइल के फॉर्म में कर दिया तो क्या करेगा, वो 15 टाइम्स करंट को अपोज करेगा, ऑलमोस्ट 15 टाइम्स करंट को अपोज कर रहा है। तो इम्पीडेंस जो ये इम्पीडेंस पिक्चर में आ रहा है, इससे क्या दिख रहा है, कि जब हम रेजिस्टेंस की बात कर रहे थे तो रेजिस्टेंस काफी कम था,
जब इम्पीडेंस की बात करिए तो हमारा इम्पीडेंस नेट इम्पीडेंस बहुत ज्यादा हो गया, जिसका फायदा क्या होता है इसमें देखिए 2 ओम और 31.46 करंट अगर यहाँ पे इस वायर से फ्लो करता केवल इतना ही रेजिस्टेंस पिक्चर में आता है, यहाँ फ्लो कर रहा है तो इससे ऑलमोस्ट 16 टाइम्स ज्यादा रेजिस्टेंस डेवलप करेगा। तो अभी क्या होता है जब हम ट्रांसफार्मर की अभी हम बात कर रहे थे तो ट्रांसफार्मर में क्या होता है जब हम प्राइमरी में ट्रांसफार्मर में एक आपका ये प्राइमरी वाइंडिंग हो गई या आपका कोर ऐसे दिखाते हैं आप, और ये एक आपका मान लीजिए सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई आपकी, ठीक है ना, ये आपका बी प्राइमरी हो गया, यहाँ पे आपका बी सेकेंडरी हो गया, ठीक है, और ये आपका यहाँ पे आई एस हो गया, यहाँ पे आई पी हो गया। अभी आप क्या करते हैं जब आपने यहाँ पे वोल्टेज दिया या पावर दी, जो भी बात करते हैं हम लोग, यहाँ पे हमने वोल्टेज एक दिया तो यहाँ पे जब हम वोल्टेज देते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग में वोल्टेज देने से एक काउंटर वोल्टेज इंड्यूस वोल्टेज डेवलप होगा, इंड्यूस काउंटर वोल्टेज इसी प्राइमरी वाइंडिंग में डेवलप होगा, जो कि इस वाइंडिंग प्राइमरी जो वोल्टेज है इसके ऑलमोस्ट इक्वल रहता है, लेकिन पोलरिटी अपोजिट रहती है, पोलरिटी अपोजिट रहती है तो उससे क्या होता है, पोलरिटी अपोजिट रहने से यहाँ पे एक डिफरेंस करेंट आता है, डिफरेंस जो वोल्टेज आया जो हमने यहाँ पे प्राइमरी वोल्टेज दिया और यहाँ पे जो काउंटर एक वोल्टेज के अक्रॉस में इंड्यूस ईएमएफ जो डेवलप होगा उसमें एक नेट डिफरेंस रहेगा, और वो डिफरेंस जो कितना रहेगा, इतना रहेगा जितने में कि आपका ये पोर्शन कोर जो है ये मैग्नेटाइज हो जाए, इतना रहेगा। अब क्या होगा अगर मान लीजिए जैसे अभी हमने आपको बताया केवल आर रहता जेड नहीं रहता, अभी जेड है तो आपका क्या है यहाँ पे नेट इम्पीडेंस ज्यादा है, तो यहाँ पे जो सर्किट में करंट का रिक्वायरमेंट है, जो नो लोड करंट का रिक्वायरमेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं आई मैग्नेटाइजिंग या आई जो भी हम लोग इसको बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग करंट या जो भी बोलते हैं, वो काफी कम रहता है क्योंकि इम्पीडेंस इस सर्किट का बहुत ज्यादा रहता है और उसका ये क्या करता है जो हमारा सर्किट का करंट है इसको रिस्ट्रिक्ट करता है, तो इम्पीडेंस का एक बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे। अगर ये इम्पीडेंस नहीं रहता केवल रेजिस्टेंस रहता है बहुत कम वैल्यू का रहता है, यहाँ पे नेट करंट बहुत ज्यादा रहता और ये वाइंडिंग हीट हो सकती थी, तो इम्पीडेंस का एक ये यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है, ये ध्यान रखिए। तो अभी हमने आपको बताया इम्पीडेंस का वैल्यू कैसे कैलकुलेट हुआ और यहाँ पे इम्पीडेंस ने क्या इम्पैक्ट डाला। अब ट्रांसफार्मर जैसे आपका है तो ट्रांसफार्मर जो हम बात करते हैं तो ट्रांसफार्मर क्या होता है कि हम ट्रांसफार्मर में जब वोल्टेज देते हैं और वोल्टेज दिया तो उसमें जो नो लोड करंट रहेगा वो एक करंट रहेगा ही, तो प्राइमरी में क्या होगा फ्लक्स डेवलप होगा, प्राइमरी वाइंडिंग में फ्लक्स डेवलप होगा, फ्लक्स डेवलप होने के बाद में क्या होगा फ्लक्स को किससे लिंक होना है थ्रू कोर के सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक होना है। तो आपका क्या होता है कि प्राइमरी में जो हमने इंजेक्ट किया तो जो सेकेंडरी में लिंकेज होना है वो 100% का होगा जब ट्रांसफार्मर आइडियल होगा, जब उसमें कोई भी लीकेज फ्लक्स नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है ट्रांसफार्मर में। हमेशा क्या होता है प्राइमरी में हमने जो दिया पावर उसके चलते जो हमारा फ्लक्स बना वो फ्लक्स जो है कोर में जाएगा, लेकिन कुछ फ्लक्स जो है वो सेकेंडरी में लिंक नहीं होगा, जो लिंक नहीं होगा वो क्या कहलाता है लीकेज फ्लक्स। वो लीकेज फ्लक्स क्या करेगा, वो लीकेज फ्लक्स जो है आपका कोर के से रास्ते से आपका जो वाइंडिंग का इंसुलेशन है उसके होते हुए आपका कहाँ चला जाएगा कॉइल में चला जाएगा, तो वो फ्लक्स जो है आपका अल्टीमेटली लॉस है। लीकेज फ्लक्स जो है जितना ज्यादा लीकेज फ्लक्स रहेगा आपका उतना ज्यादा लीकेज रिएक्टेंस रहेगा, और जितना ज्यादा लीकेज रिएक्टेंस रहेगा उतना ज्यादा आपका परसेंटेज इम्पीडेंस रहेगा, क्योंकि अल्टीमेटली जेड हमने आप अभी देखा कि वो क्या होता है आर प्लस जे एक्स होता है, तो जितना ज्यादा आपका एक्स फैक्टर होगा उतना ज्यादा आपका इम्पीडेंस होगा, तो जितना ज्यादा लीकेज फ्लक्स होगा उतना ज्यादा लीकेज रिएक्टेंस होगा और उतना ज्यादा आपका परसेंटेज इम्पीडेंस होगा। तो अभी आपका इससे नुकसान क्या होता है, इससे नुकसान ये होता है कि जो आपका लीकेज फ्लक्स ज्यादा रहेगा तो आपका जो सेकेंडरी में वोल्टेज है उस सेम वोल्टेज को इंड्यूस करने के लिए आपको प्राइमरी में ज्यादा करंट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको नेट फ्लक्स तो रखना है और जो लीकेज फ्लक्स है उसका जो है वो क्या रहता है वो मेन फ्लक्स का अपोजिट में रहता है, तो आपका क्या करता है नेट फ्लक्स जो कोर में जितना आना चाहिए उतना नेट फ्लक्स को कोर में नहीं बनने देता है, और क्या होता है उससे सेकेंडरी वोल्टेज आपका ड्रॉप होने लगता है, तो सेकेंडरी वोल्टेज आपका ड्रॉप हो गया। उसका क्या हुआ कैसे हुआ, क्योंकि आपका इम्पीडेंस ज्यादा है, लीकेज फ्लक्स ज्यादा है तो लीकेज रिएक्टेंस ज्यादा है तो इम्पीडेंस ज्यादा है, जिसके चलते आपका सेकेंडरी में वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होगा।
आपका जो है उस अभी हमने बताया कि जैसे लीकेज फ्लक्स हुआ, लीकेज फ्लक्स होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिस्टम से ज्यादा करंट ड्रॉ करना पड़ेगा, प्राइमरी में करंट ज्यादा ड्रॉ करेगा ताकि जो नेट फ्लक्स रिक्वायरमेंट है आपका मेट आउट करने के लिए सेकेंडरी वोल्टेज, उतना आपका जो है वो करंट सिस्टम से ज्यादा ड्रॉ करेगा। तो सिस्टम से जब करंट ज्यादा ड्रॉ करेगा तो उससे क्या प्रॉब्लम आएगी, उससे प्रॉब्लम आएगी कि आपका जो करंट ज्यादा ड्रॉ करेगा वो करंट क्या रहता है, इंडक्टिव करंट रहता है। तो आपका नेट पावर फैक्टर जो सिस्टम का है वो आपका घटता जाएगा। करंट जब आपका ज्यादा रिक्वायरमेंट आएगा तो क्या होगा, करंट ज्यादा होने से आपका आई स्क्वायर आर लॉसेस बढ़ जाएंगे, आई स्क्वायर आर लॉसेस बढ़ जाएंगे तो उससे क्या प्रॉब्लम आएगी, उससे प्रॉब्लम आएगी कि आपका लॉसेस बढ़ जाएंगे, लॉसेस बढ़ने से आपकी ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी कम हो जाएगी, उससे आपका जो है हीटिंग बढ़ जाएगी, तो आपको कूलिंग अरेंजमेंट बढ़ाना पड़ेगा। तो ये सारी दिक्कत आती है जितना ज्यादा आपका लीकेज फ्लक्स सिस्टम में रहेगा। अब लीकेज फ्लक्स जो है इसका नेट इफेक्ट प्राइमरी और सेकेंडरी में कैसे आता है, जैसे मान लीजिए अगर आपका आपने मान लीजिए एक ट्रांसफार्मर है जिसमें कि आपने वोल्टेज दिया प्राइमरी, अब मान लेते हैं कि उसमें प्राइमरी में जो है नो लोड करंट I1 फ्लो कर रहा था या करंट I1 फ्लो कर रहा है, और इसका जो है आपका रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस कितना है R प्लस आपका जो है GX जो है ये नेट रेजिस्टेंस प्लस रिएक्टेंस है। तो अभी क्या होगा, आपका जब प्राइमरी में जो है वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, प्राइमरी में वोल्टेज ड्रॉप होगा आपका कितना होगा I1 × R+GX हो गया, I1 × √R² + X² हो जाएगा, R1² अगर वन प्राइमरी की बात करते हैं तो ऐसे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा I1 Z1। तो ये वोल्टेज प्राइमरी में जो ड्रॉप होगा वो वोल्टेज प्राइमरी में क्या होगा, ड्रॉप I1 Z1 होगा। तो ये आपका अगर हम नेट बात करते हैं कि वोल्टेज प्राइमरी में हमको कितना मिलेगा, तो हमको प्राइमरी में वोल्टेज मिलेगा इंड्यूस EMF अक्रॉस प्राइमरी प्लस हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा वोल्टेज ड्रॉप इन प्राइमरी। हमारा क्या हुआ अभी जो है इसके चलते जो ये रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस था, इसके चलते जो इम्पीडेंस आया, इसके चलते हमारा प्राइमरी में वोल्टेज जितना ड्रॉप होगा, VPD जितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ ये इससे निकला, और आपका जो है ये प्राइमरी में वोल्टेज जब हम चेक करेंगे तो कितना मिलेगा, हमें प्राइमरी के अक्रॉस में कितना इंड्यूस EMF आया प्लस वोल्टेज ड्रॉप प्राइमरी में कितना मिला। तो हम इसको अगर वैसे बात करेंगे तो VP = कितना हो जाएगा, E1 + आपका वोल्टेज ड्रॉप इन प्राइमरी। तो अब जो इसको वोल्टेज ड्रॉप इन प्राइमरी हुआ, वोल्टेज ड्रॉप ऐसे नहीं सकता, तो इतना नेट आपको जो है ये वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा, इतना प्राइमरी में वोल्टेज मिलेगा कि जितना आपका रिएक्टेंस भी चलता है प्राइमरी में वोल्टेज ड्रॉप हुआ वो प्लस जितना इंड्यूस EMF प्राइमरी के अक्रॉस में हुआ। तो नेट क्या दिखा आपको कि इम्पीडेंस से आपका प्राइमरी में वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा आपका इम्पीडेंस होगा उतना ज़्यादा प्राइमरी में वोल्टेज ड्रॉप आपका ज्यादा होगा। अब हम सेम ऐसी बात करेंगे अगर सेकेंडरी की बात करेंगे, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस सेकेंडरी बात करेंगे, तो आपका सेकेंडरी अगर लोडेड है तो सेकेंडरी का वोल्टेज क्या होगा, सेकेंडरी वोल्टेज अगर हम VS मान लें, आपका जो है वोल्टेज इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी अगर हम ES मान लेते हैं या E2 मान लेते हैं जो हमें मानना है, और सेकेंडरी का जो है रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस जो है हम R2 + GX2 मान लेते हैं, तो हमारा जो सेकेंडरी में इंड्यूस्ड EMF आएगा वो क्या आएगा, सेकेंडरी इंड्यूस्ड EMF इन सेकेंडरी क्या हो जाएगा, वोल्टेज इन सेकेंडरी पर टर्मिनल प्लस वोल्टेज ड्रॉप इन सेकेंडरी। तो हमारा अगर कोई पूछता है वोल्टेज इन सेकेंडरी टर्मिनल जो है वोल्टेज सेकेंडरी में कितना होगा, तो क्या होगा इंड्यूस्ड EMF सेकेंडरी में अगर ES मान लेते हैं तो ये वोल्टेज ड्रॉप इन सेकेंडरी जितना हुआ है ये वोल्टेज ड्रॉप। तो सेकेंडरी में हमारा क्या होगा, इतना वोल्टेज हमें मिलना चाहिए था सेकेंडरी में, ES कितना ये मिलना चाहिए था, जितना सेकेंडरी में वोल्टेज इंड्यूस हुआ उतना ही मिलना चाहिए था, लेकिन सेकेंडरी में वोल्टेज ड्रॉप किसके कारण हुआ, हमारा इसके कारण हुआ R2 + GX2 मतलब Z2 इम्पीडेंस के कारण हुआ। इम्पीडेंस के चलते हमारा जो वोल्टेज ड्रॉप होगा
उतना हमें सेकेंडरी में वोल्टेज कम मिलेगा। जब हमें सेकेंडरी में वोल्टेज कम मिलेगा तो उससे हमें क्या प्रॉब्लम आएगी, हमें ये प्रॉब्लम आएगी कि हमें सेकेंडरी में वोल्टेज जो प्राइमरी में करेस्पॉन्डिंग सेकेंडरी में मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, तो हमारा वोल्टेज जो रेगुलेशन है वो क्या होगा, हमारा वोल्टेज रेगुलेशन पुअर रहेगा। हमारा सेकेंडरी में जैसे जैसे लोड बढ़ेगा हमारा सेकेंडरी का वोल्टेज ड्रॉप होता जाएगा, तो इम्पीडेंस बढ़ने से सेकेंडरी में आपका वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होगा। आपको ये बता देते हैं कि लीकेज रिएक्टेंस जो है वो आपका, अभी हमने बता दिया क्या क्या क्रिएट करता है, वोल्टेज ड्रॉप क्रिएट करता है, आपका लॉसेस बढ़ाता है, एफिशिएंसी डाउन होती है आपकी, उससे ट्रांसफॉर्मर का टेम्परेचर बढ़ता है, वोल्टेज रेगुलेशन पुअर होता है, ये सारी चीज़ें तो हो गया जो आपका ज़्यादा इम्पीडेंस से होती हैं। अब इम्पीडेंस जो है, अगर आपका कोई पूछता है कि लीकेज रिएक्टेंस आपको किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं लीकेज रिएक्टेंस को जिससे कि हमारा परसेंटेज इम्पीडेंस कंट्रोल रहे, तो लीकेज रिएक्टेंस किस पर डिपेंड करता है आपका, जैसे रेजिस्टेंस आपको पता है रॉयल अपॉन ये होता है, ऐसे रिएक्टेंस भी आपका किस पे डिपेंड करेगा, आपका कोर पे डिपेंड करेगा, साइज ऑफ द कोर कितना है आपका, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं वाइंडिंग में उस पे डिपेंड करेगा, कोर का मटेरियल क्या है उस पे डिपेंड करेगा, ट्रांसफार्मर के रेटिंग पे डिपेंड करेगा, तो बहुत सारे फैक्टर हैं जिस पे कि ये इम्पीडेंस डिपेंड करता है। लेकिन अगर हमको लीकेज रिएक्टेंस कम करना है तो सबसे बढ़िया क्या है कि हमको जितना हम सेकेंडरी और प्राइमरी वाइंडिंग को पास रखेंगे उतना हमारा लीकेज फ्लक्स कम होगा, उतना लीकेज रिएक्टेंस कम होगा और हमारा नेट इम्पीडेंस भी कम होगा। तो वाइंडिंग हम जितना कॉम्पैक्ट करके बनाएंगे, जितना पास रखेंगे उतना लीकेज रिएक्टेंस कम होगा। ये है कि जो जिस फैक्टर पे लीकेज रिएक्टेंस डिपेंड करता है उसको अगर हम अटेंड कर लेंगे तो हमारा एक ऑप्टिमम वैल्यू मिलेगा। लीकेज रिएक्टेंस किसी सिस्टम में हमें कितना रखना है वो हमारे सिस्टम पर भी डिपेंड करता है। नॉर्मली जैसे अगर हम बात करें पावर ट्रांसफार्मर की, पावर ट्रांसफार्मर में हम लोग जो है अगर परसेंट इम्पीडेंस की बात करते हैं तो 6% से लेकर 25% तक भी रखते हैं। तभी कोई बोलेगा सारे ट्रांसफार्मर का 25% क्यों नहीं रखते हैं, तो हमको केवल एक फैक्टर नहीं देखना है। जब हम लीकेज रिएक्टेंस या परसेंटेज इम्पीडेंस की बात करते हैं तो हमको सारे फैक्टर देखने पड़ेंगे कि हमको उसमें एफिशिएंसी भी देखनी है, हमें उसमें वोल्टेज रेगुलेशन भी देखना है, हमें सारे फैक्टर देखते हुए ही हमें परसेंटेज इम्पीडेंस का फिगर डिसाइड करना है। हम जब ट्रांसफॉर्मर मैन्युफैक्चरर को बताते हैं कि हमको इतना रखना है तो हमको अपने सारी कंडीशन को भी देखना है। तो अभी ट्रांसफॉर्मर जो परसेंटेज इम्पीडेंस में हमने सारे अभी बात की, इससे ये नुकसान है, लेकिन जो सबसे बड़ा फायदा है परसेंटेज इम्पीडेंस का वो क्या है कि हमारे सिस्टम पर जितना ज़्यादा फॉल करंट आता है वो किस पर आता है, डिपेंड करता है फॉल करंट परसेंटेज इम्पीडेंस और ट्रांसफॉर्मर पर डिपेंड करता है। अगर हमारे ट्रांसफॉर्मर का परसेंटेज इम्पीडेंस ज़्यादा रहेगा तो फॉल करंट को रिस्ट्रिक्ट करेगा, क्योंकि इम्पीडेंस की प्रॉपर्टी है कि करंट को रिस्ट्रिक्ट करेगा तो फॉल करंट को भी रिस्ट्रिक्ट करेगा। तो जितना ज़्यादा हमारे सर्किट का फॉल करंट रहेगा उतना हमारे लिए क्या है, आगे के इक्विपमेंट के लिए हमको मान लिया हमारा सिस्टम का फॉल करंट 25 किलो एम्पीयर है और उसी ट्रांसफॉर्मर के बाद वो 40 किलो एम्पीयर आ गया, तो हमको क्या करना पड़ेगा, सारे सीटी की रेटिंग, ब्रेकर की रेटिंग, मल्बार की रेटिंग, सारी रेटिंग हमको 40 किलो एम्पीयर के करस्पॉन्डिंग लेनी पड़ेगी। उससे क्या प्रॉब्लम आएगी, हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी, हमारे सारे जो है इससे वोल्टेज का इंस्टॉलेशन का जो स्ट्रेस लेवल है वो बढ़ जाएगा। तो हमारा फॉल करंट अगर ज़्यादा है तो हमको एक फ़ायदा क्या मिलेगा कि हमारा जो सेकेंडरी में फॉल करंट है वो हमारा फॉल करंट लिमिटेड रहेगा। तो अभी हम लोग जो बात करते हैं परसेंटेज इम्पीडेंस आता कैसे है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लिया हम एक ट्रांसफार्मर की बात करते हैं, ये ट्रांसफार्मर है आपका एक स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर मान लेते हैं, ये है आपका आर वाई बी प्राइमरी का हो गया मान लीजिए और आर वाई बी सेकेंडरी हो गया आपका, मान के चलते हैं ये ट्रांसफार्मर 132 केवी बाई 33 केवी का ट्रांसफार्मर है और आपका ये ट्रांसफार्मर मान के चलते हैं कि हम लोग 25 एम्पीयर का एक ट्रांसफार्मर है। अब हम बोलेंगे इस ट्रांसफार्मर का परसेंटेज इम्पीडेंस निकालना, तो कैसे निकालेंगे, हमको 3 पैरामीटर पता चल गया, हमको ये पता चलना चाहिए कि हमारा सेकेंडरी का फुल लोड करंट कितना है, ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी का फुल लोड करंट कितना है, अगर हमें ये पता चल गया तो हम लोग आराम से निकालेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, हमको ट्रांसफार्मर को यहाँ सेकेंडरी शॉर्ट कर देंगे, जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं उससे ये निकलता है, तो हम ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी शॉर्ट कर देंगे। ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी शॉर्ट करने के बाद में हमें ये पता चल जाएगा कि यहाँ का फुल लोड करंट कितना है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं वैसे तो आपका 450 एम्पियर आएगा, हम कैलकुलेशन के लिए मान लेते हैं 500 एम्पियर मान लेते हैं कि सपोज सेकेंडरी का फॉल करंट फुल लोड करंट 500 एम्पियर है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एक एमीटर सीरीज में यहाँ पे एमीटर लगा देंगे सारे, ऐसे यहाँ पे
यहाँ पे सारे एमीटर लगा देंगे आपका यहाँ सीरीज में करंट पढ़ने के लिए, और यहाँ से हम जो है रेगुलेटिंग ट्रांसफार्मर के थ्रू यहाँ से हम वोल्टेज इंजेक्ट करेंगे। तो रेगुलेटिंग ट्रांसफार्मर से जब हम वोल्टेज इंजेक्ट करेंगे तो हम यहाँ से वोल्टेज इंजेक्ट करते जाएंगे, और तब तक करेंगे जब तक कि हमको सेकेंडरी में 5 एम्पीयर करंट नहीं मिल जाता। हमको सेकेंडरी में 5 एम्पीयर करंट जिस वोल्टेज में मिला, मान लीजिए 132 केवी के बजाय यहाँ पे हमने 13.2 केवी इंजेक्ट किया, तो हमको जो है ये वाला करंट मिल गया। तो हमारा जो परसेंटेज इम्पीडेंस है, परसेंटेज जो इम्पीडेंस की बात करते हैं जेड परसेंटेज में है, तो हमारा जो वोल्टेज इंजेक्टेड टू गेट द डिजायर्ड रेटेड करंट डिवाइडेड बाय ये जो है रेटेड वोल्टेज प्राइमरी का कितना है 132 केवी, दोनों है तो केवी केवी लिख देंगे, और चूंकि हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो केवी केवी कट जाता है, ये डिवाइड करेंगे तो आ गया 10%। चूंकि हम रेट इसका परसेंटेज इम्पीडेंस का हम इसीलिए बोलते हैं, कोई यूनिट नहीं होता क्योंकि ये केवी केवी कट गया तो यहाँ पे कोई भी यूनिट इसका नहीं आएगा। अब अगर यही सेम करंट को इंजेक्ट करने के लिए हमारा 13.2 के बजाय सपोज करिए 26.4 लगता, 26.4 केवी लगता तो हमारा यहाँ पे 26.4 केवी हो जाता, तो हमारा नेट परसेंटेज इम्पीडेंस कितना हो जाता 20% हो जाता। मतलब हमको सेम करंट को फीड करने के लिए हमको ज़्यादा वोल्टेज की जरूरत पड़ी, ज़्यादा यहाँ से हमारा रिस्ट्रिक्शन आया ताकि इतना करंट फीड करने के लिए हमारा 20% ही 20% इम्पीडेंस है सर्किट का, इसलिए वोल्टेज ऑलमोस्ट डबल हो गया। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जितना ज़्यादा परसेंटेज इम्पीडेंस होगा उतना करंट कम फील होगा। अभी ये किस पे डिपेंड कर रहा है आपका एमवीए रेटिंग पे डिपेंड कर रहा है, क्यों डिपेंड कर रहा है, क्योंकि उसी से आपका ट्रांसफार्मर का फुल लोड करंट आया। अगर ये एमवीए रेटिंग 50 हो जाती है तो आपका ये करंट मान लीजिए 1000 एम्पियर हो गया, तो आपको जो वोल्टेज इंजेक्शन जो लग रहा था कम था वो ज़्यादा हो जाएगा। आपका वोल्टेज पे डिपेंड करता है, यहाँ पे कितना वोल्टेज है टर्मिनल वोल्टेज उस पर डिपेंड करेगा, इसी से आपका ट्रांसफार्मर की, क्योंकि अगर 132 केवी के बजाय 2400 आएगा तो नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा रहेंगे, वो भी इम्पीडेंस को अफेक्ट करेंगे, उसी कॉरेस्पॉन्डिंग कोर की साइज बढ़ जाएगी, वो इम्पीडेंस को अफेक्ट करेगी। तो क्या होता है, कैलकुलेशन ऐसे ही करते हैं, शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं, सेकेंडरी शॉर्ट कर देते हैं, और हम यहाँ से वोल्टेज इंजेक्ट करते हैं, जिस वोल्टेज पे हमको ये रेटेड करंट मिल जाता है उस वोल्टेज से हम इस रेटेड वोल्टेज प्राइमरी को डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमें जो वैल्यू मिली उससे हमारा परसेंटेज इम्पीडेंस का कैलकुलेशन आ जाता है। परसेंटेज इम्पीडेंस से 3 फैक्टर है, एमवीए रेटिंग बढ़ी तो परसेंटेज इम्पीडेंस बढ़ जाएगा सेम ट्रांसफार्मर के लिए, आपका वोल्टेज चेंज हो गया तो चेंज हो जाएगा। अगर अभी उल्टा भी हो सकता है, मान लीजिए आपने ये जो 13.2 की बात कर रहे थे, अगर हम इसको 6.6 कर देते तो ये आपका जो है 6.6 केवी से ही हो गया था, तो 6.6 डिवाइडेड बाई 132 केवी केवी को लिखना ही पड़ेगा, ये कट गया तो आपका कितना आएगा 5% में आ जाएगा। तो ये सारा फैक्टर कम ज़्यादा डिपेंड किस पे करेगा, कितने वोल्टेज पे आया, तो ये किस पे डिपेंड करेगा, जब आप ट्रांसफार्मर डिजाइन कर रहे हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि हमको ये परसेंटेज इम्पीडेंस का ट्रांसफार्मर चाहिए, उसके बेस पे मैन्युफैक्चरर जो है वो सारे चीज़ को ऑप्टिमाइज करके बनाएगा। लेकिन हमको ना बहुत इसको बहुत ज़्यादा रखना है ना बहुत कम रखना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भी बेकार है और बहुत कम भी हमारे सिस्टम के लिए बेकार है, तो हमको ऑप्टिमम डिज़ाइन इसका रखेंगे तो हमारे लिए ये बढ़िया रहेगा। ये परसेंटेज इम्पीडेंस जो है इसका कैलकुलेशन है, ये हर जगह ऐसे ही इसको कैलकुलेट करते हैं। और परसेंटेज इम्पीडेंस की जो हम बात कर रहे थे रिएक्टेंस की, ये जब हम ट्रांसफार्मर को पैरेलल करते हैं तो भी हमको परसेंटेज इम्पीडेंस भी कोशिश करनी चाहिए कि सेम रहे, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है आपका, इससे आपके ट्रांसफार्मर की शॉर्ट सर्किट कैपेसिटी जो है वो इम्प्रूव हो जाती है, सबसे बड़ा इम्पीडेंस का प्लस पॉइंट है। तो हमको ये सारे फैक्टर टेक केयर करके ही परसेंटेज इम्पीडेंस को कितना कम रखना है ज़्यादा रखना है, ये एक ही बार होता है जब ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चर होता है, उस समय आपका कंसल्टेंट आपसे बात करता है कि आपका सिस्टम का फॉल्ट करंट कितना है, आपको कितना और कहीं ऐड करना है, या ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है उसमें आपका दो ट्रांसफार्मर पैरेलल होता है तो कितना फॉल्ट करंट आ रहा है, वो सारा फैक्टर को देखते हुए, उस रेटिंग का इक्विपमेंट अवेलेबल है कि नहीं है वो देखते हुए सारा वो जो है आपको बताता है कि इस ट्रांसफार्मर का कितना लीजिए। नॉर्मली जितना छोटा ट्रांसफार्मर रहेगा उसका परसेंटेज इम्पीडेंस मान के चलते कम रहेगा, बड़ा है तो बड़ा रहेगा, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में 2 से लेकर 10% तक रहता है, पावर ट्रांसफार्मर बड़े रहते हैं तो उसमें 6% से लेकर 25% तक रहता है, तो साइज डेफिनेटली मैटर, इसमें साइज जो है वो मैटर करती है, बड़े होने पर साइज आपको एमवीए रेटिंग
ज़्यादा होने पे आपका परसेंटेज इम्पीडेंस बढ़ जाता है। तो हो फ्रेंड्स, इससे आपका सारा क्वेरी क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें आपको कोई और डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको इसमें और किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप हमें पूछिए। वैसे हमने कोशिश किया कि आपको परसेंटेज इम्पीडेंस से रिलेटेड सारे पॉइंट क्लियर कर दें। थैंक्स।